मेरे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम दसवीं कक्षा के गणित के दसवें चैप्टर की प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, ऑप्शन ए है 7 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर और डी 24.5 सेंटीमीटर। तो देखिए कि ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, वो हमें चूज करना है। तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चित्र बना लेते हैं कि एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए कि यहां पर हम एक वृत्त ले लेते हैं, ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये वृत्त की एक स्पर्श रेखा ले ली। Q से मान लिया कि बिंदु P पर ये स्पर्श रेखा खींची गई है और केंद्र से क्यों की जो दूरी है, क्यों की केंद्र से दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर तथा स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। अब वृत्त की क्या बतानी है आपने, त्रिज्या बतानी है। ओके, क्या बताना है वृत्त की त्रिज्या। तो यहां देखिए कि त्रिज्या स्पर्श रेखा से पर क्या होती है, समकोण होती है। तो ये क्या होगी, एक समकोण त्रिभुज होगी। समकोण त्रिभुज है तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ओपीक्यू में क्या होगा कि ओपी स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर बराबर ओ क्यू स्क्वेयर, कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब ओपी तो आपको फाइंड आउट करना है, तो ओपी स्क्वेयर प्लस पी क्यू दिया 24, तो 24 का स्क्वेयर हो जाएगा बराबर ओ क्यू कितना 25, तो यहाँ 25 का स्क्वेयर हो जाएगा। ओके, अब देखिए कि ओपी स्क्वेयर प्लस 24 का स्क्वेयर हो जाएगा 576 और 25 का स्क्वेयर हो जाएगा 625। ओपी स्क्वेयर बराबर 625 माइनस 576 और ओपी स्क्वेयर बराबर ये माइनस करेंगे तो आएगा 49 और ओपी इज इक्वल टू वर्गमूल 49। यहां से ओपी बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ऑप्शन ए है, सो 7 सेंटीमीटर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, आगे प्रश्न नंबर 2। आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर है। तो यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कोण पी टी क्यू किसके बराबर है। आइए स्टेटमेंट को इस चित्र के द्वारा समझते हैं कि ये केंद्र ओ वाला एक वृत्त दिया हुआ है और इस पे टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये वाला कोण 110 डिग्री दिया हुआ है और ये कोण आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पर त्रिज्या
स्पर्श रेखा पर क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां से देखिए कि 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110, 180 और 100 280, 290 हो गया। अब ये देखिए चतुर्भुज है TPOQ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। और अभी हमने इन तीन कोणों का योग कितना कैलकुलेट किया था, 90 प्लस 90 180 और 290, टोटल कितना किया था 290। तो यहां से देखिए कि 360 में से 290 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आ जाता है। तो यहां पर 70 डिग्री जो इसका ऑप्शन होगा। वैसे तो मोजवानी क्वेश्चन है कि आपको ये पता ही है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या करती है, समकोण बनाती है। तो ये दोनों कोण 90 90 डिग्री के हो गए, इन तीनों को प्लस करो, 360 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर लिखना पड़े तो आप कैसे लिखोगे कि कोण पी बराबर कोण क्यू प्रत्येक कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। आप ये कारण दे सकते हो। और कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री ये आपको दिया है। अब देखिए कि कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस ये कोण टी है, इसको पी टी क्यू भी कह सकते हैं, कुल मिला के कितना, 360 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। इन तीनों का सम कितना, 290 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। अब कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री, यहां से इस साइड जाकर के 290 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो कोण पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आगे प्रश्न नंबर 3, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो, तो कोण POA बराबर है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। चार ऑप्शन में से हमें एक करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो अब यहां से देखिए कि हम एक चित्र ड्रा करते हैं, जैसे स्टेटमेंट दे रखे उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और इस वृत्त पर किसी बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी बनाई गई है और ये एक दूसरे पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो कोण पी ओ ए, पी ओ ए ये वाला जो कोण है ये आपको ज्ञात करना, पी ओ ए कोण। तो इसको ओ बी को भी आप मिला दीजिए, ये ओ मैंने यहां लिख दिया, यहां लिखोगे ज्यादा अच्छा सुंदर दिखेगा। तो अब देखिए कि पहले हम ये पूरा का पूरा कोण निकाल लेते हैं, पूरा बड़ा कोण निकाल लेते हैं। ये जैसे मैंने प्रश्न नंबर 2 में बताया था कि
दोनों कितने डिग्री के कोण होंगे, 90-90 डिग्री के कोण होंगे। ये 80 डिग्री का होगा तो 90 प्लस 90 180 प्लस 80 260 डिग्री, और इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये कितना बच गया, 100 डिग्री। ओके, अब जैसे पिछले लेक्चर में एक प्रमेय में हमने सिद्ध किया था कि ये दोनों त्रिभुजें क्या है, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। तो पूरा कोण कितना, 100 डिग्री का, और ये आपस में बराबर है तो 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का कोण हो जाएगा। ओके, अब समझ में आने के बाद लिखना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री, और ये हो गया 260 डिग्री, 90 प्लस 90 प्लस 80 प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। कोण ए ओ बी बराबर 260 इस साइड ले जाकर के आप माइनस करोगे तो 100 डिग्री। अब देखिए कि यहां पर अगर आप पूरा सॉल्यूशन करते हो तो इनको सर्वांगसम भी आपको सिद्ध करना होगा, पी ए बराबर पी बी, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज पी ए ओ तथा त्रिभुज पी बी ओ में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या होगा कि पी ए बराबर पी बी। ओके, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, इसके अलावा ओ ए ओ बी के बराबर है, ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, ये एक ही वृत्त की त्रिज्या, और ओपी दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है। ओपी बराबर ओपी, कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। ओके, अब देखिए कि भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज पी ए ओ सर्वांगसम है त्रिभुज पी बी ओ के। अब देखिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा ही बराबर होते हैं। तो यहां से हम करेंगे कि कोण ए ओ पी या पी ओ ए, कोण पी ओ ए बराबर कोण पी ओ बी क्यों होगा, क्योंकि सीपी सीटी द्वारा, सीपी सीटी का मतलब कि कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसको आप एक्स नाम दे दीजिए। तो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना है, 100 डिग्री। तो कोण ए ओ बी किसके बराबर है, पी ओ ए, पी पी ओ ए प्लस कोण पी ओ बी, ये दोनों मिलके 100 डिग्री हो गया। तो एक्स प्लस एक्स 100 डिग्री, दो एक्स बराबर 100 डिग्री। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100/2 50 डिग्री हो जाएगा। एक्स 50 डिग्री है तो इसका मतलब
कोण पी ओ ए बराबर 50 डिग्री होगा। ओके, तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। यदि एक नंबर में क्वेश्चन है तो आप सीधा इस तरह से रफ जैसे मैंने कैलकुलेट किया था ऐसे करके आप 50 डिग्री सीधा चूज कर। आगे प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। अब देखिए ये हमारे पास केंद्र O वाला एक वृत्त है और यहां पर हम एक व्यास ड्रा कर लेते हैं कि व्यास आपको पता है कि केंद्र में से होकर के गुजरने वाली ये सबसे लंबी जीव होती है, तो इसका नाम मैं दे देता हूं P और इस बिंदु का नाम दे देता हूं Q। तो PQ एक व्यास ले लिया और एक P बिंदु पर स्पर्श रेखा ड्रा कर लेता हूं मैं और एक स्पर्श रेखा में बिंदु के ऊपर ड्रा कर लेता हूं। ठीक, यहां से जो स्पर्श रेखा हमने बनाई है इसे मैं नाम ए बी दे देता हूं और इस स्पर्श रेखा का नाम मैं सी डी दे देता हूं। ओके, तो अब एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो ये वृत्त का व्यास हो गया पी और क्यू, इस व्यास के सिरे हो गए, इस पर ये दो स्पर्श रेखाएं हमने खींच दी। तो अब हमें सिद्ध ये करना कि ए बी सी डी के समांतर है। तो ये सिद्ध करना बिल्कुल ही आसान है कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ओपी एक त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंबवत होगी। इसी तरह से ये वाला कोण ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ओक्यू भी एक त्रिज्या है और सीडी स्पर्श रेखा तो एक दूसरे के लंबवत होगी। तो ये कोण इस कोण के बराबर है, ये दोनों क्या है, एकांतर अंतः कोण है। तो जब एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। बस इतनी सी चीज हमें यहाँ पर लिख करके समझानी है। तो यहां पर हम कहेंगे माना PQ केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास है तथा AB तथा CD, AB और CD क्रमशः बिंदु P व Q पर बनाई गई स्पर्श रेखाएं हैं या खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ओके, अब आपको सिद्ध ये करना है, क्या करना है कि ए बी समांतर है सी डी के। अब उत्पत्ति में यानी इसका प्रूफ जो है उसमें हम क्या कहेंगे कि पी क्यू समकोण है ए बी पर तथा PQ समकोण है CD पर। क्यों? क्योंकि त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या तथा वृत्त की स्पर्श रेखा एक दूसरे पर समकोण होती है, ये कारण भी आप यहां पर लिख सकते हो। अब PQ AB पर समकोण है तो इसका मतलब कोण QPA, कोण Q
क्यू पी ए बराबर है कोण डी क्यू पी, प्रत्येक क्या होगा 90 डिग्री होगा। जब एकांतर अंतः कोण बराबर है तो इसका मतलब ए बी समांतर है सी डी, क्यों, क्योंकि क्यू पी ए तथा कोण डी क्यू पी दोनों एकांतर अंतः कोण है। ओके, हैंड्स प्रूफ। आगे प्रश्न नंबर 10.2 का प्रश्न नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और ये कोई बिंदु P पर खींची गई एक स्पर्श रेखा है। अब हमें ये सिद्ध करना कि स्पर्श रेखा पर अगर हम कोई लंब ड्रा करते हैं तो इस केंद्र में से होकर के जाता है। ओके, तो जो चीज हमें दी हुई वो लिख देते हैं कि माना ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा बिंदु P स्पर्श बिंदु है। ओके, तो अब O के अलावा अन्य कोई बिंदु हम क्यों मान लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि यदि संभव हो तो पी क्यू ए बी पर समकोण है। तो माना यदि संभव हो तो पी क्यू ए बी पर या रेखा ए बी पर समकोण है तथा पी क्यू बिंदु ओ से होकर नहीं गुजरता। अब देखिए यहां हमने दो चीजों की कल्पना की है, एक तो पी क्यू ए बी पर समकोण है तथा दूसरा कि पी क्यू केंद्र ओ से होकर नहीं गुजरता। तो अब हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए कोण ओ पी ए, कोण ओ पी ए बराबर कितना होगा 90 डिग्री। लेकिन कोण क्यू पी ए ये भी हमने कितना मान रखा है 90 डिग्री, कहाँ से हमने जो कल्पना की है उससे कल्पना से। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों ओ पी ए और क्यू पी ए इक्वल हो गए, इसका मतलब कोण ओ पी ए बराबर कोण क्यू पी
लेकिन अब हमने साथ में ये भी मानना है कि क्यों पी जो है वो ओ से होकर गुजरती नहीं है, तो ये चीज तो संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अगर ये चीज संभव नहीं है तो इसका सिर्फ एक ही समकोण संभव है, और जो कि केंद्र ओ से होकर गुजरेगा। तो अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर गुजरेगा। ओके okay।